हमारे आसपास कई ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ये कीटाणु वायरस या बैक्टीरिया के रूप में भी होते हैं और खतरनाक साबित होते हैं। अब ऐसे ही कई कीटाणुओं से संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। संक्रामक यानी एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी। अब बात करते हैं इन बीमारियों से लड़ने की। तो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनमें कुछ बीमारियों से लड़ने की क्षमता पहले से ही होती है। उन्हें ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी एंटीबॉडीज जो होते हैं अपनी माँ से मिलते हैं, लेकिन ये बीमारियों से बचाव का अस्थायी यानी टेम्परेरी इलाज होता है। जब बात आती है संक्रामक बीमारियों की तो सबसे कारगर तरीका होता है वैक्सीन। वैक्सीन बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, वो भी परमानेंट वाली। वैक्सीन से पहले पोलियो जैसी कुछ बीमारियां तेज रफ्तार से फैलती थीं और इनके नतीजे बेहद भयावह होते थे, लेकिन फिर आ गई वैक्सीन और ये बीमारियां अब लगभग गायब होने की कगार पर हो गईं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों सभी के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है। आप सवाल कहेंगे कि भाई ये वैक्सीन काम कैसे करती है। हर वैक्सीन के काम करने का तरीका एक जैसा होता है, वो है बॉडी के इम्यून सिस्टम को बीमारी के बारे में खुफिया जानकारी देना। हर मनुष्य के शरीर में एक इम्यून सिस्टम मौजूद होता है। इम्यून सिस्टम अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये मान लीजिए ये हमारे शरीर का पुलिस सिस्टम है। जो पुलिसिया तंत्र जिस तरह से देश की सुरक्षा करता है, उसी तरह से हमारे बॉडी के लिए ये एंटीबॉडीज काम करते हैं। इस पुलिस को एक बार दुश्मन का हुलिया और रंग रूप पता चल जाता है तो उनके लिए शिकार करना आसान हो जाता है। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का हुलिया बताने का काम करता है। अब हम बात करेंगे कैसे बनती है ये वैक्सीन। किसी भी वायरस की वैक्सीन उसी वायरस के सैंपल से तैयार होती है। अगर हम किसी हेल्दी बॉडी में वायरस स्वस्थ अवस्था में डालेंगे तो ये रिस्की हो सकता है, बंदा बीमार पड़ सकता है। इसीलिए वायरस का कमज़ोर या मृत रूप जो होता है वो इस्तेमाल में लाया जाता है, और जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो इम्यून सिस्टम इसकी पहचान कर लेता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है। एंटीबॉडी अगर मैं बोलूं तो यह इम्यून सिस्टम यानी पुलिसिया तंत्र के सिपाही। अब बाद में असल में वो वायरस जब हमला करता है तो इम्यून सिस्टम उसे आसानी से हरा देता है, क्योंकि उसे उस वायरस के बारे में पहले से जानकारी होती है। हम उससे लड़ने के लिए पहले से तैयार होते हैं, तभी हमारे लिए ये लड़ाई आसान हो जाती है। और अब हम बात करेंगे कि भारत में ये वैक्सीन की शुरुआत कब हुई, क्या है इसका इतिहास। भारत में सबसे पहले वैक्सीन 1802 में मुंबई में रहने वाली 3 साल की बच्ची को दी गई थी। 3 साल की एना रस्ट हॉल को स्मॉल पॉक्स का टीका लगाया गया था, लेकिन इस समय तक वैक्सीन की कहानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। लोगों के जहन में वैक्सीन का नाम बसा जब आया पोलियो का टीका। पोलियो एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो मुख्यतः छोटे बच्चों को शिकार बनाती है। इसका इन्फेक्शन शरीर के स्पाइनल कॉर्ड में फैल सकता है। नतीजा ये होता है कि पोलियो से पीड़ित व्यक्ति को पैरालिसिस यानी पक्षाघात हो जाता है। 1950 के दशक में पोलियो की वैक्सीन खोज ली गई और भारत सरकार ने 1978 में पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को टीका लगाया जाने लगा। फिर आया साल 2014 जब WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री देश घोषित कर दिया। लेकिन इंडिया में अब भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में हिचक है, पर्याप्त अवेयरनेस नहीं है लोगों में, जागरूकता की कमी है। इसीलिए जब जागरूक नहीं है ऐसे में रोग मुक्त समाज की कल्पना करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। 1950 के दशक में पोलियो की वैक्सीन खोज ली गई और भारत सरकार ने 1978 में पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसके तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाने लगा। अब सीधे आते हैं साल 2014, क्योंकि ये बदलने वाला टर्निंग पॉइंट था। WHO ने पोलियो फ्री देश घोषित कर दिया भारत को। लेकिन पोलियो फ्री देश बनने के बाद भी आज भी हमारे देश में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में हिचक होती है, उनमें जागरूकता की कमी है। और जब ये जागरूकता ही नहीं है तो जाहिर है रोग मुक्त समाज के सपने के लिए ये ठीक नहीं है। तो ये तो बात हुई कि आखिर क्यों वैक्सीन के बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। और अब मैं बताऊंगी आपको उन वैक्सीन के बारे में जो बेहद सक्सेसफुल हुए, यानी उनकी वजह से लोगों में भरोसा बढ़ा वैक्सीन के प्रति, वैक्सीन को ज़्यादा कारगर माना गया। तो ऐसी ही कुछ वैक्सीन मैं इस एपिसोड में यानी कि अब आपको बताने वाली हूँ। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है इन्फ्लुएंजा। कोविड की तरह इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी है। ये आपकी नाक, गले और फेफड़े को शिकार बनाती है। इन्फ्लुएंजा को ही आम भाषा में फ्लू कहा जाता है। 1918 में एक इन्फ्लुएंजा वायरस से
स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी फैली थी और इस बीमारी ने लगभग 2 से 5 करोड़ लोगों को अपना शिकार बनाया था। कई बार देखा गया है कि लोग फ्लू को बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन यहाँ ये साफ करना ज़रूरी है कि फ्लू को अगर गंभीरता से ना लिया जाए तो ये बीमारी घातक और जानलेवा साबित हो सकती है। दूसरा नंबर आता है मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस। ये एक बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। ये एक तरह का दिमागी बुखार होता है और इसके कारण ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हिंदी में मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसको ढकने वाली झिल्ली में सूजन आ जाती है। ये हमारे शरीर के बेहद ज़रूरी हिस्से होते हैं। ये बीमारी कम पाई जाती है लेकिन बेहद ख़तरनाक होती है, इतनी ख़तरनाक कि 24 घंटे के अंदर मरीज की मौत हो सकती है। तीसरा नंबर आता है डिप्थीरिया का। डिप्थीरिया भी एक बैक्टीरिया से होने वाली संक्रामक बीमारी है। आम तौर पर इसका असर हमारी नाक, गले में मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर पड़ता है। इससे खांसी, सांस लेने में कठिनाई, हार्ट फेलियर, पैरालिसिस और मौत भी हो सकती है। अब बात करेंगे टिटनेस की। टिटनेस का नाम तो हम सब ने बचपन से सुन रखा है। जब भी कोई गहरा कट लग जाता था तो सबसे पहले टिटनेस का इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती थी। टिटनेस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का नाम है। इसका असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। टिटनेस होने पर मसल्स में जकड़न पैदा होने लग जाती है, शरीर ऐंठ जाता है और इलाज न मिलने पर मरीज की मौत भी हो सकती है। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है पर्ट्यूसिस। इसे हूपिंग कफ यानी कुकुर खांसी या काली खांसी भी कहा जाता है। ये पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये सांस की बेहद संक्रामक बीमारी होती है। इसमें मरीज बिना कंट्रोल के बेहद भयानक तरह से खांसता है। इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। अब बात करेंगे हेपेटाइटिस बी। अब जिस मेडिकल शब्द में हेप लग जाता है उसका मतलब समझिए कि वो हमारे लिवर से जुड़ा हुआ है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो लिवर की एक संक्रामक बीमारी है जो इसी नाम के वायरस से फैलती है। इसमें पेट में दर्द होता है, आंखें पीली पड़ जाती हैं, पेशाब का रंग गाढ़ा हो जाता है। अगर इसका इलाज ना ठीक से हो तो कई केसों में मरीजों की मौत भी हो जाती है। हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी, ये भी एक तरह का फ्लू होता है जो बैक्टीरिया से फैलता है। यूं तो शरीर में ये बैक्टीरिया बिना कुछ किए पड़ा रहता है, लेकिन इसके शिकार होने पर इंसान को बुखार आ जाता है, कमजोरी आती है। ये बैक्टीरिया भी शरीर पर हमला कर देता है। बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। सांस की नली, फेफड़े समेत शरीर के दूसरे हिस्सों में भी इस इन्फेक्शन का असर दिख सकता है। इन सातों बीमारियों के लिए वैक्सीन ही सबसे बढ़िया उपाय है। बीमारी हो जाने पर दवाओं से इसका उपचार बेहद तकलीफदेह और खर्चीला होता है। पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो बात आपको यहाँ भी लागू करनी चाहिए। इसीलिए वैक्सीनेशन करा लेना ही समझदारी होती है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। ये बच्चों और वयस्क सभी के लिए ज़रूरी होती है। ये एक सालाना वैक्सीनेशन है जो इन्फ्लुएंजा ए यानी H1N1, H3N2 और इन्फ्लुएंजा बी से भी बचाती है। डिप्थीरिया टिटनेस पर्ट्यूसिस यानी TTP का टीका बच्चों को 6वें, 10वें और 14वें हफ्ते में दिया जाता है। इन बीमारियों से बचे रहने के लिए जीवन में कई बार वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी होता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक्स के मुताबिक एक बूस्टर DTP प्लस IPV 4 से 6 साल की उम्र में और 2 बार 9 से 14 साल की उम्र में दिया जाता है। DTP के डोज की कम मात्रा ज़रूरी होती है। मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस का टीका 9 महीने के बच्चे से लेकर 55 साल के वयस्क के लिए होता है। 2 साल से छोटे बच्चों को 9वें महीने में पहला डोज दिया जाता है और दूसरा डोज इसको 3 महीने बाद। 2 साल से बड़े बच्चों के लिए केवल एक ही डोज होती है। मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस एक बेहद गंभीर किस्म की बीमारी है। ये बीमारी सामने आने के बाद इलाज के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। 24 घंटे में किसी की जान भी जा सकती है। बच्चे के डॉक्टर से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके इस वैक्सीन को लगवाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी मौजूद है। ये वैक्सीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत लगाई जाती है। इसके बारे में भी IMA या बच्चों के डॉक्टर के पास बहुत सारी जानकारियां आपको आसानी से मिल सकती हैं। बच्चों को सभी बीमारियों से बचाना ज़रूरी होता है। इन सभी बीमारियों की वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध है। आप अपने डॉक्टर से परामर्श के बाद इनका टीकाकरण करा सकते हैं यानी कि वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास जो आपके अपने मौजूद हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी होता है। कोरोना के बारे में आपने सुना होगा, ब्रेक द चेन, तो ये संक्रमण की कड़ी तोड़ने की बात होती है। वही काम आपको वैक्सीनेशन के साथ करना होता है। आपके आसपास के जितने अधिक से अधिक लोगों को ये वैक्सीन लगा होगा उतने ही अधिक आप सुरक्षित होंगे।
वैक्सीनेशन से जुड़े परामर्श के लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, वैक्सीन लगवाने से हिचके नहीं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो साइट दी गई है आप वहाँ पर जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारी स्क्रीन पर एक टोल फ्री नंबर दिखाया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके भी आप वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको सारी जानकारी इन दो जगहों पर आसानी से मिल जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।